हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके पेपर का एनालाइज करने वाला हूँ बेटा। जो मेरे पास कोड आ रखा है, प्रश्न पत्र कोड 31-2-2 सेट नंबर 2 है बेटा, और ये आपकी सीरीज है, ये मेरे स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, ठीक है। सो आपका साइंस का पेपर था, 40 नंबर का पेपर था, आपको पता ही है, ठीक है। सो पेपर की अगर मैं बात करूँ बेटा, पेपर मेरे विचार में, मेरे पास जो पेपर आ रखा है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी है, ठीक है। यहाँ लिया दिखा हुआ, देखो आपको खंड कौन है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मोर को 2 ऊर्जा दी गई है, घास में कितनी ऊर्जा उपस्थित रही होगी, ठीक है। देखो हिंदी में, फिर ये इंग्लिश में है, ठीक है। पेपर की मैं बात करूँ, पेपर बेटा बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था, ठीक है, बहुत ही आसान पेपर था। सो बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड ले रहे थे कि पेपर इतना टफ आएगा, ये आएगा वो आएगा। इस पेपर का बेटा फुल सोल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, और इसके बाद इसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये एक सर्किट का प्रॉब्लम है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है कि इसका निकालो आप, ठीक है, कुल प्रतिरोध कितना होगा। सो आप देख सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 10 और 5, सो अगर ये R1 है ना, इसको आप R1 मानो, इसको आप R2 मानो, इसको आप R3 मानो, सो इन दोनों, ये दो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, आर डैश क्या हो जाएगा, R1 + R2, यानी कि 10 + 50, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और ये किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/60 + 1/30, 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा, तो 1 + 2 यानी कि 3/60, 3 × 3, 3 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 20 ओम आ जाएगा, ठीक है, 20 ओम आ जाएगा, क्या हमारे पास टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ये आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है V = क्या होता है, IR, सो IR = क्या हो जाएगा, V/R, वी हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, R हमारे पास कितना है, 20, 2 × 1 = 0, 2 × 3 = 0.3 एम्पियर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, तो ये सब दे रखा है। फिर देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ हमारे पास ये है ना, ये भी हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, सो यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3 प्रोपेनोन हो जाएगा ये, क्योंकि नाम के बाद ओन जुड़ता है, तो प्रोपेनोन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एथेनोन, ठीक है। तो जो पूरा फुल सॉल्यूशन है बेटा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताएं। अभी मेरे स्टूडेंट्स का एक थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था, कन्फ्यूज़न क्या था कि ये जैसे ये क्वेश्चन है ना आपके पास, ये केस स्टडी वाला प्रॉब्लम, उसमें क्या है ना, मेरे स्टूडेंट ने क्या गलती की है, और उन्होंने अपने टीचर से भी पूछा, ठीक है, उसने उसको क्या कन्फ्यूज़न हुई है, उसके टीचर ने बोला देखो यहाँ पर लिखा है ना और करके, तो उसने अपने क्लास टीचर से पूछा कि, उसने बताया कि सिर्फ ये करना है, या तो इन तीनों को करो या फिर इन इसको करो, उन्होंने ये बोला। सो ऑब्वियसली उसको ये आसान लगा होगा, कम टाइम लग रहा होगा, तो उसने ये कर दिया, बाकी ये नहीं किया। तो मतलब ऑप्शन जो आपको दे रखा था बेटा, इसमें ऑप्शन है, इसमें और इसमें ऑप्शन है, ये दोनों कंपलसरी हैं, ये आपको यहाँ लिखा भी मिलेगा, यहाँ पर लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ देखो, ईच केस इज़ फॉलोइंग 3 sub-questions A, B, and C, पार्ट ए एंड बी आर कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट सी। तो ये कन्फ्यूज़न में भी बच्चों को थी, एक स्टूडेंट मेरी खुद की स्टूडेंट, उसका ये गलत हो गया, ठीक है, वो अभी मुझसे व्हाट्सएप में बोल रही थी कि सर मेरे ऐसे छूट गए। तो पेपर मेरे विचार में बहुत ही ईजी था, सुपर ईजी था। इसका फुल सोल्यूशन बेटा बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगा, पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन। बाकी आपके पास कोई और सेट भी है तो प्लीज़ बताएं, उसका फुल सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब नई स्टार्ट हो रही है चैनल पर, नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी मैथमेटिक्स की नए सीज़न के लिए, और क्लास 11th की मैथ्स भी मैं स्टार्ट करवा चुका हूँ मेन चैनल पर, और इस चैनल पर भी स्टार्ट हो जाएगी।